एक महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी के लिए शर्मनाक बात है। हम चाहते हैं कि हमारे पिताओं ने जो जान गंवाई थी इस देश के लिए, हम भी चाहते थे कि हम भी अपनी जान इस देश के लिए गंवाए और अपना खून इस देश के लिए बहाए। लेकिन बदकिस्मती से चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2.5 साल से हमारी जो फाइलें पेंडिंग रखी हुई है, 48 ऑर्डर निकालने के बाद से बाकी फाइलें पेंडिंग रखी हुई, जबकि ये सारे केसेस निकलने चाहिए थे, सारे एक ही रूल के थे। तो अब रिक्वेस्ट रहेगी, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, DGP साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली DGP साहब से रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये उसकी फैमिली अभी रोड पर है। उसे तो ये लग रहा है कि बच्चे रोड पर है, लेकिन ये उसकी फैमिली, क्योंकि मेरे पापा ने जब सर्विस दी थी तो उसकी फैमिली के लिए दी थी और पूरे स्टेट और पूरे इंडिया के लिए सर्विस दी थी, तभी जाके निकलते हैं जब पूरे एस्क्वाड खड़ा रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर्स जल्द से जल्द रिलीज़ किए जाए और चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की जाए कि इस मसले को हल कीजिए, हमें रोड पर मजबूर मत करो आने पर, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फिर बुरा होगा, आप लोगों पर ही ब्लेम आ जाएगी कि पुलिस वालों के बच्चे रोड पर रहे। नहीं तो हम कोई गलत काम उठाने के लिए तैयार है, फिर जाके जो कुछ भी होगा इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी साहब पे होगी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर साहब से होगी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी DGP साहब से होगी।